हिंदी सिनेमा में मीना कुमारी भारतीय सिनेमा इतिहास में गिनी जाने वाली अव्वल दर्जे की अदाकारा रही हैं, जिन्हें उनकी पहचान उनकी खूबसूरती से मिली थी। अपनी खूबसूरती के लिए पूरी हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने दौर में इन्होंने अपने अभिनय और अपनी खूबसूरती के दम पर हिंदी सिनेमा में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है, जिन्हें लोग युगों युगों तक याद करेंगे। लेकिन जहां ये अभिनेत्री जितना अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती थी, उससे भी कहीं ज्यादा इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में दर्द झेला है, और आज हम आपको इनके लाइफ से जुड़ी एक ऐसी ही दर्द भरी दास्तान बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे और कब इनकी लाइफ में दर्दों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काफी नाम और शोहरत कमाई है, जिनका नाम अभिनेता धर्मेंद्र के साथ भी खूब सुर्खियों में रहा था। हालांकि इनका ये रिश्ता कभी भी कबूला नहीं जा सका, लेकिन जहां तक आप लोग मीना कुमारी के बारे में जानते होंगे तो सबका सवाल यही होगा कि क्या उन्हें भी तीन तलाक और हलाला निकाह जैसी प्रथाओं से गुजरना पड़ा था। कई लोग इसका जवाब हाँ में देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन यानी 12 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले पर फैसला सुनाते हुए इस कानून को खारिज कर दिया था, उसके बाद से मीना कुमारी के भी तलाक के इस प्रोसेस के शिकार होने की बात शुरू हो गई थी। और ये किस्सा कुछ ऐसा था कि एक बार मीना कुमारी के पति मशहूर राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना को तीन बार तलाक कह दिया था। हालांकि कमाल को अपने इस किए हुए बात पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मीना से वापस लौट आने की बहुत गुजारिश की, लेकिन वो नहीं गईं। बाद में मन बदलने पर दोबारा निकाह का रास्ता खोजा गया। पता चला कि मीना को हलाला से गुजरना होगा। मीना का निकाह हुआ कमाल के दोस्त अमानुल्ला खान के साथ। वो एक्ट्रेस जीनत अमान के पति थे। अमान से शादी करने और शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद मीना ने उनसे तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने कमाल अमरोही से दोबारा निकाह कर लिया, जिसके बाद मीना कुमारी ने साल 1952 में मशहूर राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी कर ली थी। जब दोनों की शादी हुई तब मीना महज 19 बरस की थी, जबकि कमाल 34 साल के थे। शादी के कुछ सालों तक तो इनका रिश्ता ठीक चला, लेकिन बाद में इनके बीच कुछ दिक्कतें आने लगी। जहां साल 1964 में आई फिल्म पिंजरे के पक्षी के मुहूर्त के दिन मीना कुमारी ने राइटर डायरेक्टर गुलजार को अपने मेकअप रूम में आने की इजाजत दी थी। इस बात से खफा होकर कमाल के असिस्टेंट बकर अली ने मीना को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद मीना ने बकर से कमाल को बता देने के लिए कहा कि वो आज रात घर नहीं आएंगी। इसके बाद वो अपनी बहन और एक्टर महमूद की पत्नी मधु के घर रहने लगी। कमाल ने उन्हें वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मीना कभी वापस लौटकर कमाल के पास नहीं गईं। हालांकि 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की लिवर सिरोसिस से मौत हो गई थी। 1964 में कमाल से अलग होने के बाद मीना ने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया था। इससे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। नींद की गोलियों से दूर रहने के लिए डॉक्टर ने उन्हें सोने से पहले थोड़ी ब्रांडी पीने की सलाह दी। मीना ब्रांडी से शराब की ओर बढ़ती चली गईं और बहुत ज्यादा पीने लगी। इससे उन्हें लिवर की बीमारी हो गई, जिसने आखिरकार मीना की जान ही ले ली। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मीना कुमारी के दर्द भरी इस लाइफ के बारे में, जहां इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दर्द ही दर्द झेले। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।